सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो काफ़ी टाइम बाद मैं आज इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक पर वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास है आज 2021 मारुति सुजुकी बलिनो का सेकंड टॉप वेरिएंट जेटा। देखेंगे क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, ऑन रोड प्राइस क्या है, ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ आज ज्वाइन हो रहे हैं लखन भैया। हेलो, काफ़ी टाइम बाद आपने इन्हें वीडियो में देखा होगा, बिकॉज हमने आज से लेके एक साल पहले बलिनो के डेल्टा वेरिएंट पर वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने सारे वेरिएंट कवर कर लिए थे अराउंड। तो वो 2020 वेरिएंट था, ये 2021 है, तो बहुत से डिटेल में स्पेसिफिकेशन कवर करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम एक बलिनो के ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम सारे वेरिएंट क्लियर कर देंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है। तो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जेटा वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो ब्लू कलर के, जो कि नाइट में काफ़ी अच्छी आपको विजिबिलिटी देने वाले हैं। यहाँ पर LED DRL देख सकते हो आप, डे टाइम रनिंग लाइट, और इसी के बाद आपको इसके ये पार्किंग लाइट्स मिल जाती है। अगर सेंटर की ओर आए तो ग्रिल मिलती है आपको, पूरी क्रोम फिनिश में मिलने वाली है। सेंटर में सुजुकी की बैजिंग है, यहाँ पूरा वेवी शेप मिलने वाला है। दूर से आप देख सकते हो कैसा लुक प्रोवाइड कर रही है। और फॉग लैंप्स गाइस, इसमें मतलब अगर आप टॉप वेरिएंट पे भी जाओगे तो प्रोजेक्टर नहीं मिलते आपको, नॉर्मल येलो हेलोजन फॉग लैंप्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ब्लैकआउट पूरी सराउंडिंग के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ, तो वो है 7,49,000। एंड गाइस, मैं ऑन रोड इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट आप में से कोई भी मध्य प्रदेश से है स्पेशली, तो लखन भैया का मैंने आपको नंबर दे ही दिया था अभी पहले भी, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो आप में से किसी को भी बेस्ट डील चाहिए नेक्सा की कौन सी भी कार, मतलब भले ही वो बलिनो है, इग्निस, सियाज, तो उसकी बेस्ट डील्स आपको मिल जाएगी, बेझिझक कॉल कर देना, आपका कॉल रिसीव कर लेंगे वो कभी भी आप लगाओ तो। सो अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो इसमें आपको 1.2 लीटर 1197 सीसी का BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 81.8 मतलब अराउंड 82 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पहले से ही बलिनो का इंजन बहुत ही रिफाइंड रहा है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी अब ये पेट्रोल इंजन में ही आती है, अगर आप में से किसी को पता नहीं हो तो। ARAI क्लेम माइलेज 21 का है, 21 फिर भी कम है गाइज, आसानी से आपको 22-23 निकालने वाली है उसमें, 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर। और इंसुलेशन आप देख सकते हो पेट्रोल इंजन में वैसे भी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी प्रोवाइड करा है, मतलब केबिन में कोई भी नॉइस नहीं आने वाला है। सो अब आ गया हूँ मैं जेटा वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले अपन इसके टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 195x55 R16 इंचेस के ट्यूबलेस टायर विद डायमंड कट एलॉय व्हील्स, काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग रहने वाली है आपकी। और लुक आपको पर्सनली इस एलॉयस का कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में टॉर्सन बीम। सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है इसके, एज सच आपको जर्स वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले, ऑफ रोडिंग में बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब इंडियन रोड्स पे दचके वगैरह में टकराने का ऐसा जैसा कोई भी इशू नहीं आया है और ना ही आने वाला है, मतलब सफिशियंट हो जाता है। के लेंथ विड्थ एंड हाइट की बात करें तो 3995 mm की लेंथ, 1745 mm की विड्थ एंड 1510 mm की हाइट मिलती है। ORVM देखेंगे तो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ, एनी ऑटो फोल्ड है, अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हो जाएंगे। और जेटा वेरिएंट में आप अगर चेंजेस की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, डोर वाइजर तो हालांकि एज एन एसेसरी लगाए गए, आप शोरूम से ही लगा सकते हो या आफ्टर मार्केट आपकी चॉइस के ऊपर है। क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है, लाइक कीलेस एंट्री आपको इसमें मिलती है, तो आप यहीं से लॉक अनलॉक करके जा सकते हो अंदर, ये भी एज एन एसेसरी का पार्ट है, बट आपको शोरूम वाले ऐसे ही लगा देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये साइड मोल्डिंग भी एसेसरीज का ही पार्ट है, आपको मारुति की एसेसरीज में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो यही था इसकी साइड प्रोफाइल में, अब चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की ओर। अब मैं आ गया हूँ बलिनो के बैक प्रोफाइल की ओर, और गाइस देख सकते हो आप कितनी बोल्ड एंड मस्कुलर लिखती है देखने में, मेनली क्रोम ग्रिल कितना इसका लुक इनहांस कर रही है। आपको पर्सनली इसकी बैक प्रोफाइल का लुक कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो सबसे पहले इसके रियर टेल लैंप्स की बात करते हैं, तो आपको ये पूरे LED प्रोवाइड करे जेटा वेरिएंट में। ब्रेक लाइट एंड टर्न इंडिकेटर से वो आपको नॉर्मल बल्ब ही मिल जाते हैं, बट आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। ऊपर आपको रियर स्पॉयलर मिल जाता है, जिसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लाइट है, और रियर स्पॉयलर काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक प्रोफाइल को, मतलब वैसे ही एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है और बहुत ही बढ़िया लुक देती है। ऊपर आपको माइक्रो एंटीना यहाँ पर मिल जाता है,
और यहाँ पर देखेंगे तो रियर वाइपर एंड डिफॉगर आपको डेल्टा वेरिएंट से ही प्रोवाइड करें, डेल्टा वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये क्रोम स्ट्रिप का मैं आपको बता चुका हूँ। अगर और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर बैजिंग्स तो आपको एज यूजुअल यहाँ पर बलिनो की मिल जाती है, सेंटर में सुजुकी की, वेरियंट की कोई भी बैजिंग नहीं मिलने वाली है। नीचे देखेंगे तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर बेस वेरियंट से ही मारुति सुजुकी प्रोवाइड करती है, बिकॉज सारी गाड़ियों में मिलेगा आपको BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, बट जेटा वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता, ये एज एन एसेसरी इंस्टॉल कराया है। प्राइस अगर आपको चाहिए कौन सी भी एसेसरीज से रिलेटेड प्राइस चाहिए तो लखन सर का मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना उनसे। नीचे रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी बूट स्पेस का, तो बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पार्सल ट्रे मिल जाता है जो कि रिमूवेबल है, आपको ज़्यादा बूट यूज़ करनी है आप यहाँ से ईजिली हटा सकते हो। काफ़ी बढ़िया 339 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, मतलब 5 लोग आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका लगेज इसमें इजीली आ जाएगा, सूटकेस वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 339 लीटर की बूट स्पेस मेरे ख्याल से मोर देन इनफ हो जाती है। यहाँ पर आपको बूट लैंप प्रोवाइड कराए जो कि जेटा वेरियंट का एक एडिशनल फीचर है। और नीचे देखेंगे तो आपको इसमें स्पेयर व्हील मिल जाता है, बट वो आपको स्टील व्हील रिम के साथ प्रोवाइड कराए। और यहाँ पर सारी नीडेड एसेसरीज आपको जैक वगैरह सब इसमें मिल जाता है। ओवरऑल यही था गाइस इसकी बैक प्रोफाइल में। फाइनली चलते हैं इसके इंटीरियर में। डोर्स पहले आप देख सकते हो आपको काफ़ी बढ़िया ड्यूअल टोन में मिल जाते हैं, ये तो पूरा आपका ब्लैक कलर है, इसके अंदर आपको ब्लू कलर की फैब्रिक अपोल्स्ट्री मिल जाती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपोल्स्ट्री प्रोवाइड करी है, यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट्स है और ये इनर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगा। डेल्टा से ही आपको मिल जाता है, मतलब डोर में ऐसा जैसा कोई भी चेंज नहीं रहने वाला अगर आप डेल्टा वेरियंट से भी कंपेयर करो तो। फोल्ड साइड मिरर से एक बार मैं प्रेस करूँगा तो ईजिली फोल्ड हो जाएंगे। देन यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है, ये है पावर विंडो लॉक एंड चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड है वो आपको ऑटो डाउन एंड अप के साथ मिलेगा। बाकी नीचे देखेंगे तो 1 लीटर का बेवरेज होल्डर, थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस और जेटा वेरिएंट के जो स्पीकर्स हैं ना गाइस काफ़ी क्लियर है, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं स्पीकर्स एंड ट्विटर्स, मतलब बहुत ही बढ़िया म्यूजिक सिस्टम अंदर आपको प्रोवाइड करा है, मतलब एज सच आपको एडिशनल म्यूजिक सिस्टम लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की, तो गाइस ये सीट्स कवर शोरूम से ही लगाया। प्राइस भी गाइस वेरी करती है, बट मैं अंदाज़ा बता दूँ तो आपको 5 से 6 हज़ार में मिल जाएंगे। वो डीलरशिप से डीलरशिप वेरी करता है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। बाकी अगर कंपनी की बात करें तो आपको वही नॉर्मल फैब्रिक अपोल्स्ट्री प्रोवाइड करी है। बैठियाओं में इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो सीट्स है आपको जेटा वेरिएंट से सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, तो आप यहाँ से इजीली सीट हाइट कर सकते हैं मैन्युअली, बाकी यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। ये नेक्सा की प्लेट है, ये आपको एज ए नेसेसरी का पार्ट है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ से आप फ्यूल लिट ओपन कर सकते हैं। और मेनली अगर कंफर्ट की बात करें तो अगर आपकी हाइट 6 फीट के ऊपर है फिर भी आप इजीली इसको चला पाओगे, एज सच कोई भी इशू नहीं आने वाला है। स्टेयरिंग इसका कवर लगा दिया है, उसके बाद मुझे काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है। ये स्टेयरिंग कवर शोरूम से ही लगाया गया है, आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर स्टिचिंग के साथ आपको ये प्रोवाइड करा है स्टेयरिंग कवर। और अगर इसके फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल के फीचर मिल जाते हैं, चैनल चेंज, वॉल्यूम कम ज़्यादा, यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं। डेल्टा से आपको ये ब्लू एंड भी मिल जाता है, यहाँ से कॉल पिकअप एंड एंड, इसका जो माइक है वो यहाँ पर रहता है। और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो गाइस सभी को पता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर इसका RPM मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, सेंटर में कौन सा भी लाइक ड्राइवर डोर ओपन है वो शो कर रहा है। और यहाँ पर आपको दोनों एनालॉग मिल जाते हैं, यहाँ से आप Trip 1, Trip 2, माइलेज, फ्यूल लेफ्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर इकोनॉमी आपको सब दिखा देगा। गियर चेंजिंग भी यहाँ पर शो करेगा। और डैशबोर्ड आपको कैसा लगा फ्रंट इसका लुक बताना। वैसे सारे वेरिएंट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिकल ही है, बस जेटा वेरिएंट में आपको ये फुल टच स्क्रीन मिल जाता है। डेल्टा में देखेंगे तो आपको एक थीम टाइप टच स्क्रीन दिया, मतलब एक्जैक्टली टच स्क्रीन नहीं है बट ऐसा लगेगा आपको चलाने में टच स्क्रीन है। वेंट्स की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं सिल्वर इंसर्ट्स के साथ। बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको फुल्ली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा है जिसमें आपको मीडिया एंड FM, AM, Android ऑटो, एप्पल कार प्ले, USB ऑक्स, ब्लूटूथ, इसमें सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। फ़ोन में आप यहीं से कॉलिंग कर सकते हो आप, देन यहाँ पर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। डिजिटल क्लॉक आपको यहाँ पर शो हो रही है और इसमें बहुत सी आपको मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा ना तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, व्हीकल अलर्ट्स में भी देखें तो डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सिक्योरिटी में जाकर भी सिक्योरिटी पिन प्रोटेक्शन डाल सकते हो, डेट एंड टाइम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बहुत सी आपको सेटिंग्स मिल जाती है। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही डिटेल हो जाएगी। बाकी यहाँ से शॉर्टकट से म्यूज़िक में जाने के, देन होम स्क्रीन ये बैक का। और अगर सेंटर कंसोल की ओर आए तो ये तो इसका हैजार्ड स्विच है जो पार्किंग गाड़ी की है, वो यहाँ पर स्विच देकर रखा है। और इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड करा है, आपको ये फ्रंट एंड रियर डिफॉगर मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब अगर आप सिंपली ऑटो का बटन दबा देते हो तो आपका पूरा टेम्परेचर गाड़ी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगी। यहाँ पर अगर मैन्युअली आपको कम ज़्यादा करना है तो आप टेम्परेचर कर सकते हो, जो कि सेंटर में एक डिस्प्ले प्रोवाइड करी
आप देख सकते हो इसमें जितनी मैं फैन स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ वो दिखा रहा है। यहाँ से टेम्परेचर कूल आउट कर सकते हो, बाकी यहाँ पर दिए अगर आपको बाहर की हवा चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो सारी नीडेड सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे देखें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इसी के पास USB एंड ऑक्स पोर्ट प्रोवाइड करा है। देन थोड़ी यूटिलिटी स्पेस है, मतलब फ़ोन चार्ज करना है तो आप यहीं पर रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको दो बॉटल होल्डर प्रोवाइड करें। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स वाला वेरिएंट, आपको इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट में तो कोई भी चेंज नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट प्रोवाइड करा है, जिसमें मतलब ऐसा है कि ड्राइवर चलाते टाइम तो उसको मतलब ऐसा गियर डालने के लिए नहीं है, को पैसेंजर ही यूज़ कर सकता है, बिकॉज ये काफ़ी पीछे है तो आपको ऐसे गियर डालते टाइम हाथ नहीं रख पाओगे आप। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो IRVM आपको ऑटो डिमिंग फीचर के साथ प्रोवाइड करा है। एंड सनवाइजर्स आपको मिल जाते हैं ड्राइवर साइड टिकट होल्डर के साथ। को पैसेंजर पर आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा है। ये इसके कैंडल लैंप्स। सो यही था गाइस इसके फ्रंट इंटीरियर में। ग्लव बॉक्स भी मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर ठीक ठाक स्पेस प्रोवाइड करिए। और ड्यूअल एयरबैग है, दो एयरबैग आपको मिलते हैं ड्राइवर एंड को पैसेंजर पर। चलते हैं इसकी रियर सीट्स में और देखते हैं क्या कुछ कम्फर्ट मिल रहा है। सो रियर डोर गाइस मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, वही सारे स्पेसिफिकेशन जो फ्रंट में थे वो मिल जाते हैं, कुछ भी थीम में चेंज नहीं है। अब मेनली यहाँ पर कितना क्या कंफर्ट मिलने वाला है वो मैं आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। सो मैं बैठ गया हूँ गाइस बलिनो की सेकेंड रो में। और सबसे पहले तो अभी मैंने इंटीरियर समझाने के लिए सीट जितनी आती है पूरी पीछे कर ली थी, फिर भी आप देख सकते हो प्लेंटी ऑफ लेग स्पेस बच रही है। मतलब अगर आप 5-seater आपकी फैमिली है, 5 लोग है फैमिली में, तो बेझिझक कहीं भी जा सकते हो, कोई भी ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने वाला है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड करें, यहाँ पर इसका पार्सल ट्रे, रियर का व्यू ऐसा आता है। देन केबिन लाइट है आपको सेंटर में प्रोवाइड करिए। और रियर में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार बलिनो में रियर ऐसी वेंट्स नहीं आते, बट मैं ये बोलूँगा अगर आप किसी फ्रेंड की भी गाड़ी में बैठे होंगे तो यार इतनी प्रैक्टिकल कार है, 1200cc का इंजन प्रोवाइड करा है, तो ऐसे जिसके जो वेंट्स है ना कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करे गए हैं तो फ्रंट में एक बार बलिन नहीं करेगी, रियर इतने जल्दी ठंडा कर देती है। मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो प्रोवाइड करा है, विदिन 1 से 2 मिनट आपकी गाड़ी एकदम टेम्परेचर कूल हो जाता है। ऑल राइट गाइस, यही था जेटा वेरियंट पर एक छोटा सा रिव्यू। मैंने सारी स्पेसिफिकेशन आपको बताने की कोशिश करिए। लगन भैया अगर आपका इंट्रो भी हो गया है तो इसी के बाद हमारी वीडियो आने वाली है, जिसमें हम आपका बलिनो का कौन सा भी वेरिएंट लेना है, क्या कुछ डिफरेंस आने वाला है, सब हम कवर करने वाले हैं। बिकॉज इस वेरिएंट में हमने बताने की कोशिश करते तो वीडियो डिटेल हो जाती। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको याद से प्रेस कर लेना, बिकॉज जो भी अपडेट रहेंगे आपको बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।